Good morning, dear friends, and what a wonderful day, and this is the day the Lord has made. सुप्रभात मेरे मित्रों, और ये कितना अद्भुत और नया दिन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है. He has a work to be accomplished through you. और उसके पास एक कार्य है जो वो चाहता है कि वो आपके जीवन से पूरा करे. And it may be for you too. और ये हो सकता है ये कार्य आपके लिए हो. And so we have been meditating on John's Gospel chapter 15 verse 5. और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय 5वें वचन पर मनन कर रहे हैं. So in our meditation today on this passage, I would like to pass on to you three thoughts. और इसलिए आज के हमारे इस मनन में जिसमें हम यूहन्ना की पत्री उसके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय पर मनन कर रहे हैं, मैं तीन विचारों के आपके सम्मुख रखूंगा. I will read this passage one more time to refresh our memory. और मैं फिर से इस वचन को दोबारा पढ़ूंगा कि हम अपनी याददाश्त तरोताजा कर लें. I am the vine, you are the branches. मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो. Whoever abides in me and I in him, He it is that bears much fruit. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है. For apart from me, you can do nothing. क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते. So the first thought is. और इसलिए जो पहला विचार है. A branch has to be what the vine is. एक डाली को वैसा ही होना है जैसा वो दाखलता है. The branch receives and gets into it. Whatever the vine supplies. और वो डाली के पास वो सारे तत्व और पोषण पहुंचते हैं जो डाली मिट्टी से खींच कर उस तक पहुंचाती है. So what are these things? और ये कौन सी बातें हैं? Love. प्रेम. Compassion. दया. Mercy. दया. Kindness. और नम्रता. All these blessings and peace and joy. और वो आनंद और शांति. Everything. हर एक बात. Hate sin in all its form. और पाप से घृणा करना उसके पूरी पूर्णता में. In short, और कम शब्दों में, hate what God hates. उस बात से घृणा करना जिससे परमेश्वर घृणा करता. Love and embrace what God loves. और उस बातों से प्रेम रखना और प्रिय जानना जिसको परमेश्वर प्रिय जानता है. And then hold close to your heart. और उन बातों को अपने हृदय के निकट बनाए रखना. That is the first thought. और ये वो पहला विचार है. All that the vine has. Is yours. और वो जो कुछ भी एक डाली की या दाखलता के पास है वो आपका है. So, a branch has to be what the vine is. और इसलिए एक डाली को वैसा ही होना है जैसे दाखलता है. That's how we become witnesses for Jesus Christ. और इसी रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह ठहरते हैं. To a heathen, to a non-Christian or unsaved. They don't read the Bible. और जो गैर मसीही हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, गैर विश्वास से, वो कभी बाइबल या पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते. So they have to see Jesus in and through his followers. और इसलिए उन्हें यीशु मसीह को हमारे द्वारा देखना है. And that they will see by the way we live. We live out the very character of Jesus. और इसे वो देखेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र और जीवन को अपने ओर से दिखाएंगे. Remember, याद रखिए, the fruit is the character of Jesus. याद रखिए, वो फल तो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है. The second thought is, दूसरा विचार है, fruit belongs to the vine. याद रखिए, फल तो डाली की ओर, डाली का है. Branches are needed as means of bringing forth the fruit. और डालियों की आवश्यकता तो है ताकि वो महिया या जरिया बने उन फलों को लाने का. The fruit bearing is a natural outcome of abiding in the vine. और याद रखिए, फल लाना तो एक जरूरी प्रक्रिया है जब आप उस डाली से या उस दाखलता से जुड़े रहते हैं. By itself, the branch cannot bear because it does not have any fruit. और अपने आप से डाली कभी भी फल नहीं ला सकती क्योंकि उसके पास अपने आप में कोई फल है ही नहीं. Now, the Apostle Paul, in two different passages,
brings out the truth. और पौलुस प्रेरित दो अलग अलग वचनों में सत्य को सामने रखता है. The first one, Galatians chapter 5. और पहला वचन है गलातियों की पत्री उसका पांचवा अध्याय 22वां वचन. Verse 22. पांचवा अध्याय 22वां वचन. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. This is the fruit of the Spirit. और ये है आत्मा का फल. You notice one thing. एक बात को आप ध्यान से देखिए. If you put all these things together. और आप अगर इन सारे गुणों को एक साथ मिला देते हैं. What will come out? और उसका पूरा परिणाम क्या निकलेगा? The character of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का चरित्र. So it is the fruit of the Spirit, and it is the Holy Spirit who brings forth the character of Jesus in us and through us. और ये तो पवित्र आत्मा ही है जो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र हमारे भीतर और हमारे द्वारा दिखाता है. That's what the world must see. और इसी बात को संसार को देखना है. It is for others to enjoy. और ये तो दूसरों के लिए होना चाहिए ताकि वो इस बात का आनंद ले सके. And it is very important, therefore, that we be fruit-bearing followers or disciples of Jesus. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए फल लाने वाले चेले बनने पाएं. And it is therefore very important how we live. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे जीते हैं. And then Philippians chapter 2 verse 5. और उसके पश्चात फिलिपियों की पत्री उसका पांचवा अध्याय चौथा अध्याय चैप्टर टू क्षमा करिएगा फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय पांचवा वचन वर्स 5. इट सेज हियर और यहां पर लिखा है हैव दिस माइंड अमंग योरसेल्व्स व्हिच इज योर्स इन क्राइस्ट जीसस. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. The mind of Christ. प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव. You must possess it. आपके पास भी होना चाहिए. And that's how you become a manifestation or a revelation of Jesus' mind. और इस प्रकार से आप प्रभु यीशु मसीह के दिमाग का और उसके स्वभाव का प्रकाशन कर सकते हैं. This is how we become as His followers, living witnesses for Jesus Christ. और इसके द्वारा ही ऐसे ही हम अनुयायी होते हुए उसके चेले होते हुए यीशु के लिए उसके जीवित गवाह के रूप में दिखते हैं. Galatians chapter 5 verse 22, the one we just read. और गलातियों की पत्री पांचवा अध्याय 22वां वचन जिसे अभी हमने पढ़ा reveals the character of Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को दर्शाता है. Philippians 2:5 reveals the humility and obedience making the mind of Christ. और वो फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय पांचवें वचन में हम प्रभु यीशु मसीह के मन को देखते हैं जिसमें उदारता और आज्ञाकारिता है. The mind of Christ. प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव. The mind of Christ has two great wonderful qualities. और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव या मन में दो अद्भुत गुण हैं. Humility, उदार दीनता and obedience. और आज्ञाकारिता. How much Jesus humbled himself going down and down and down. और कितना प्रभु यीशु मसीह ने खुद को दीन कर दिया कि वो नीचे नीचे और नीचे चलता चला गया. Until he was considered to be a criminal. जब तक उसे एक पापी के रूप में ना गिना जाए. And then he was hung on the cross. और उसके बाद उसे उस क्रूस पर लटका दिया गया. The Bible itself says everyone and anyone who hang on the tree is cursed. और इसलिए वचन ये भी बताता है कि वो जो उस वृक्ष पर लटकाया जाए वो श्रापित है. So he became a curse for you and for me. और इसलिए वो आपके और मेरे लिए एक श्राप बन गया. That all the curses was in us when on his body
And thus he set us free from those curses that we may live. और इसलिए वो सारे श्राप जो हमारे ऊपर थे वो उसने अपने ऊपर ले लिए ताकि हम आजाद कर दिए जाए और हमारे श्रापों का बंधन वो उठा ले. Now it is the character of Jesus that must come out. और इसलिए अब वो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है जो हमारे जीवनों से दिखना चाहिए. So these characteristics of his character come out when we abide in Christ. और ये सारे चरित्र के गुण तभी बाहर दिखते हैं जब हम उसमें बने रहते हैं. And when we abide in him, this is what we get. और जब हम उसमें बने रहते हैं यही परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है. His fruit. उसका फल. And the third thought is. और जो तीसरा विचार है. Abiding in Christ is necessary for effective prayer. प्रभु यीशु मसीह में बने रहना निरंतर रूप से एक सामर्थी प्रार्थना या एक प्रयत्नशील प्रार्थना के लिए महत्वपूर्ण है. Prayer that brings answers. और ऐसी प्रार्थना जो उत्तरों को लेकर के आती है. Effective prayer that are acceptable to God. और ऐसी प्रार्थनाएं जो प्रभु के द्वारा स्वीकृत हैं या स्वीकार की जाती हैं. So John chapter 15 verse 7 says. और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका सातवां अध्याय ये कहता है. If you remain in me. अगर तुम मुझ में बने रहते हो. And my words remain in you. और मेरा वचन तुम में बना रहता है. Ask whatever you wish. और जो कुछ भी तुम मांगोगे. And it will be given you. वो तुम्हें दे दिया जाएगा. See how we very often quote only half a verse to for our convenience. और देखिए कितनी बार हम सिर्फ आधे वचन को बोलते हैं हमारे उपयोगिता या हमारी सरलता के लिए. Because they say the Bible says Jesus himself said ask anything you want he will give it. क्योंकि वचन बताता है कि वचन में लिखा है और हम कई बार इस बात को कहते हैं जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा. He didn't say that. उसने ऐसा नहीं कहा. But where did people get that praise? और लेकिन लोगों को वो वाक्य कहां से प्राप्त हुआ? He got the last part of that verse. और उस वचन का अंतिम भाग उन्होंने पकड़ लिया. Ask whatever you wish and it will be given you. और जो कुछ भी तुम मांगोगे मांगो और तुम्हें दिया जाएगा. They will not quote the first part of it. लेकिन जो पहला भाग इस वचन का है वो नहीं बोलते. What does it say? और वो क्या कहता है? If you remain in me. अगर तुम मुझ में बने रहोगे. And my words remain in you. और मेरा वचन तुम में बना रहे. You ask whatever you wish. You will have it. और इसलिए तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम मांगो और मैं तुम्हें दूंगा. It's conditional. ये इसमें शर्तें लागू हैं. It's very important. And we think all the promises came to us without any condition. और ये हमें ऐसा लगता है कि सारे वादे परमेश्वर ने किए हैं बिना किसी शर्त के. That is not true. और ये सत्य नहीं है. There are both conditional promises. And also unconditional. और यहाँ पर ऐसे कई सारे वादे हैं जिनके संग कुछ नियम या शर्तें हैं और साथ ही साथ ऐसे वादे भी हैं जिनमें कोई शर्त नहीं. Maybe one of these days we will meditate on that. और हो सकता है इन दिनों में से किसी एक दिन हम उस बात पर भी मनन करेंगे. But remember, लेकिन याद रखिए. Do you want your prayers to be answered? अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको प्राप्त हो. Then obey the first part of that verse. और इसलिए इस वचन के पहले भाग के प्रति आप आज्ञाकारी बने. If you abide in me. अगर तुम मुझ में बने रहते हो. And my words abide in you. और मेरा वचन तुम में बना रहता then है. Then you may ask anything you will. और तब तुम कुछ भी मांग सकते हो. You know what the benefit of having Jesus abiding in us and his words abiding in us. क्या आपको पता है वो लाभ क्या है जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन हम में बना रहता है. When you have him. जब आपके पास वो है. And his word. और उसका वचन है. That in itself is a great riches. वो अपने आप में ही एक महान और अद्भुत समृद्धि और धन है. Then you will not ask anything which you the spirit will let you know. What is pleasing to God and what is not. और तो उसके पश्चात आत्मा आपको बताएगा कि क्या परमेश्वर को प्रसन्न करता है और क्या प्रसन्न नहीं करता. But remember, लेकिन हमेशा याद रखिए. God will not withhold anything that is profitable to you. परमेश्वर कभी भी ऐसी बात को आपके पास आने से रोकेगा नहीं जो लाभ के लिए हो. What you need, आपको क्या आवश्यकताएं हैं he provides. He वो देगा. Now,
Notice three points about abiding in Christ. और तीन बातों को आप देखिए जो प्रभु यीशु मसीह के रहने या उसमें बने रहने के विषय में है। Number one, पहली बात, abiding in Christ helps us to pray according to God's will. और प्रभु यीशु मसीह में रहने बने रहने से हमारी सहायता होती है कि हम प्रभु परमेश्वर के इच्छा अनुसार प्रार्थना करें। Because then we will know what pleases Him. क्योंकि तब हम जानेंगे कि क्या परमेश्वर को प्रसन्न करता है। Secondly, दूसरी बात, abiding in Him makes us seek only one thing. और उसमें बने रहने के द्वारा हम सिर्फ एक ही बात की खोज करते हैं, God's glory. परमेश्वर की महिमा। That's what we desire. और वही सिर्फ हमारी इच्छा होती And thirdly, है। तीसरी बात, abiding in Him gives us the faith to receive the answers. और उसमें बने रहने के द्वारा हमें वो विश्वास मिलता है कि हम अपने उत्तरों को प्राप्त करें। Now, may I encourage you to consider these privileges for which we are not worthy. और मैं चाहता हूं कि अब आप इन सौभाग्यों के बारे विषय में सोचिए कि जिनके योग्य हम हैं ही नहीं। We don't deserve them. और हम तो इनके योग्य हैं ही नहीं। This is nothing but the richness of His grace and mercy. ये कुछ और नहीं, सिर्फ उसकी दया और करुणा का समृद्धि है। Remember, याद रखिए, you are saved by grace. आप अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। You are sustained your Christian life by His grace. और इस मसीह जीवन में आप चलाए जाते इस अनुग्रह के द्वारा। And it is the grace that enables you to say no to ungodly things. और ये अनुग्रह ही है जो आपको गलत बातों के लिए मना करने के लिए। How much the grace of God does for और कितना परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए करता Let us keep on depending on His grace. और इसलिए आइए हम उसके अनुग्रह पर निर्भर होते चले And जाएं। Let us be obedient. और हम आज्ञाकारी तब बने। Well pleasing to God. और परमेश्वर को प्रसन्न करने so वाले। So that God Almighty can again and again pour out His blessings upon us. ताकि परमेश्वर अपने आशीषों को फिर से हमारे ऊपर देने पाए। We need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। So Lord, we pray. और इसलिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। That your divine grace be granted to us. ताकि तेरा स्वर्गीय अनुग्रह हमें प्राप्त हो। And the blessed Holy Spirit too will be there for us. और पवित्र स्वर आशीषित पवित्र आत्मा हमारे संग रहने। That we may always know what pleases God. ताकि हम हमेशा जानने पाए कि क्या परमेश्वर को प्रसन्न करता है। And what is His good pleasure. और क्या उसके प्रसन्न करता है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We open our hearts and our lives to you. हम अपने हृदयों को तेरे लिए खोलते हैं। You do with us whatever you please to. तू हमारे संग वो कर जो तुझे समझ में आता है। Thank you. धन्यवाद। Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen.